मैक्स, क्या तुम चाहते हो अपन तुम्हारे दांतों को चमका दे? सच में क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये देखो, अगर अपन ऐसा करता है तो ये पहले से भी ज्यादा चमकेंगे। हाँ ओके, करो करो। अपन को मिल गया। तुमको ऐसे ही ब्रश करना चाहिए। तुम लोग तो अब भी बच्चे हो। अच्छू तुम दादाजी मजेदार। चुप रहो। सैम, क्या हो गया भिड़ो? तुम ठीक तो हो? हाँ, जरा मुझे देखने दो। छूना मत मुझे। सैम। अरे सैम, इस बारे में इतना परेशान क्यों हो रहे लाए? मैं जा रहा हूँ। उसे क्या हुआ? अपुन 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 पहले। नहीं, पहले मुझे। लेडीज को हमेशा पहले होना चाहिए। दोस्तों, अपनी बारी का इंतजार करो। सैम, तुम्हें भी सोखने की जरूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ। सुजैन, पहले अपुन को। नहीं, पहले सैम को। नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ठीक है ठीक है, गर्म हवा में सूखने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैंने कहा था मैं ठीक हूँ। हे सैम, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भिड़ू। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ये करना चाहती थी। हाँ, तुम सब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? गुस्सा मत करो दोस्तों। छोड़ो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सैम को क्या हो गया? वो इतना अजीब हरकत क्यों कर रहा है? तुम्हें लगता है कि वो बीमार है? सर, कल रात ग्रेउल का पेंट से हमने शक्ति निकाली है और उस शक्ति को हमने इस भाले में इकट्ठा किया है। उल्टा पेंट की शक्ति अद्भुत होती है। अगर हम इसका इस्तेमाल एक मेकामोन में करते हैं तो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। आप वाकई बहुत महान हैं सर। मिनीफोर्स के साथ हुई पिछली मुठभेड़ में उनमें से एक इस भाले से घायल हो गया था। उल्कापिंड की शक्ति ने उसके घाव में प्रवेश किया और उसके अंदर का शैतान बाहर आ गया। बहुत जल्द वो हमारे जैसा बनकर सामने आएगा। इसका मतलब अब मिनी फोर्स आपस में लड़ेंगे। ये गया। सैम, ध्यान से। क्या तुम ठीक हो सैम? मुझे छूना मत, खबरदार अगर मेरे पास भी आए तो। सैम, मुझे माफ कर दो, वाकई। चाहे सुजैन हो या ध्रुव, सब इंसान बेकार हैं। काश ये सब गायब हो जाए। सैम, जल्दी करो, चलो। डैनी को हाल ही में एक रहस्यमय उल्कापिंड की शक्ति हाथ लगी है। उल्कापिंड की शक्ति? हाँ, वैसे किस तरह की शक्ति है ये? वो उल्कापिंड 1500 प्रकाश वर्ष दूर से एक घनी आकाशगंगा से धरती पर आया था। इसमें अंतरिक्ष की धूल के गाढ़े ठोस कण होते हैं।
जिनके अंदर ऐसी गहरी शक्ति होती है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर डैनी ने उस शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसकी शैतानी ताकत और बढ़ जाएगी और वो अजय हो जाएगा। अब फौरन यहाँ से निकलो और नील और डैनी को रोको। सर, यस सर। मिनी फोर्स तैयार हो। तैयार। डैनी, हम लोग आ गए हैं। ओह, तो आखिरकार आप आ ही गए, बड़ी देर कर दी। क्या कहा तुमने? डैनी, अपुन को लगता है तुमने वाकई हमें बहुत याद किया। अपुन लोग सच में तुम्हें अब और देखना नहीं चाहते। तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मेरे इरादे तुम्हें बता दूंगा? सब कुछ सही जा रहा है। क्या सही जा रहा है? अपुन को नहीं पता वो क्या करने वाला है, लेकिन ये सब सही नहीं हो रहा है। जाओ और उन बदमाश मिनीफोर्स के कीड़ों को चुप कराओ। जल्दी हमला करो। मिनीफोर्स, मैं तुम सबको हवा में उड़ा ले जाऊंगा। तुम लोग तो उड़ भी नहीं सकते और हमको उड़ा ले जाना चाहते हो। अंतरिक्ष के नालायक कचरों, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हटो यहां से। लगता है पिछली बार मिले घाव से तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ये लो मेरा आखिरी वार। सैम, सावधान। सैम, क्या तुम ठीक हो? अगर अपुन लोग वक्त बर्बाद करते रहे तो मामला बिगड़ जाएगा। सैम, पक्का ना तुम ठीक हो? ठीक है, अब हम उसके ऊपर हमले पर ध्यान देते हैं। फोर्स गन तैयार। तैयार। उस टूटे हुए तारे की ऊर्जा ने तुम्हें जकड़ लिया। हमारा मिशन कामयाब हुआ। हम सब फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए ध्यान रखो। भाग रहे हो? क्या तुम इतने डरपोक हो? विकी रुको, इसके यूं आसानी से भाग जाने के पीछे जरूर कोई बात है। सैम, अपने आप को संभालो। सैम, सैम को क्या हो गया है? वो कब से कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है वो अपनी कोई चोट छुपा रहा है? तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुम्हें चोट लगी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सैम। ओ सैम, हम क्या करें? सूजन, मुझे लगता है सैम इस वक्त बहुत मुश्किल में है। मैं सैम को इस तरह दर्द में नहीं देख सकती। तुम सबसे मजबूत हो। मैं तुम्हें अच्छा करने के लिए सब कुछ करूंगी सैम। हाँ, अब लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जल्दी ठीक हो जाओ भिड़ू। सुजैन, तुम यहाँ इतनी देर मेरे लिए रुकी हो? नहीं नहीं,
वो सिर्फ ऐसा दिखा रही है जैसे मेरी चिंता और मेरी परवाह हो उसे। मेरा सर। वो रहे वहाँ। फिर मारो। सर। जिसने किसी के लिए इतना दर्द सहन किया हो वो क्यों इन इंसानों के साथ शांति से जीने की सोच रहा है? देखो, उन लोगों की वजह से तुमने अपनी उड़ने की क्षमता खो दी है ना। मेरे साथ चलो, हम साथ मिलके इन इंसानों को उनके किए का फल देंगे। उसके बाद जानवरों और इंसानों पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। यहाँ यहाँ स्वागत है सर। स्वागत है सर। रुको। स्वागत है सर। आखिरकार तुम वहां आ गए जो तुम्हारी जगह है। चलो उन इंसानों से साथ में निपटते हैं जिन्होंने तुम्हें बुरा भला कहा। हाँ मास्टर डैनी, मिनी फोर्स का सैम अब हमारे साथ है। मैं अब बेहद खुश हूँ। कुछ बहुत बुरा हुआ है अभी अभी। हमारे अपने सैम के दिमाग में गलत भरा गया और वो डैनी से जा मिला है। ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं, सैम कभी ऐसा नहीं करेगा। मैक सही कह रहा है, सैम ऐसा है नहीं कि उसे बहलाया जाए। उसके पास मिनी फोर्स में सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति है। डैनी के पास अंधेरे की ताकत है और उल्का पिंड की ताकत ने उसे और बढ़ा दिया है। उस काली शक्ति ने सैम के बुरे अतीत से जुड़े अंधकार को और बढ़ा दिया है और इसी वजह से वो काली शक्ति की ओर आकर्षित हुआ। सैम का बुरा अतीत? जब सैम छोटा था उसके पंख इंसानों के गुलेल से घायल हो गए थे और फिर उसने उड़ने की शक्ति खो दी। हमें सच में पता नहीं था। बेचारा सैम। सैम, कोई सैम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हमें डैनी की ओर से एक वीडियो मिला है अभी। हेलो मिनी फोर्स, मैं तुम्हें अपने नए साथी से मिलाना चाहता हूँ। बाहर आओ। सैम, तुम्हारा भी सैम के जैसे जुड़ने के लिए हमेशा स्वागत है। अगर तुम सैम को देखना चाहते हो तो उस वीरान फैक्ट्री में आओ, मैं भी तुम्हारा स्वागत करूंगा एक छोटी सी मुलाकात के लिए। कमांडर, हम जाएंगे और सैम को तुरंत ले आएंगे। हमें सैम की मदद करनी होगी भिड़ू लोग। नहीं, जरूरी बात सैम की मदद करना नहीं बल्कि उसकी खुद की मदद करने के लिए मदद करना है। अगर वो खुद इससे बाहर नहीं आ सका तो अंधेरे की ताकत उस पर कब्जा कर लेगी और वो कभी भी सामान्य नहीं हो पाएगा। सैम इससे पक्का बाहर आ जाएगा, अपुन को विश्वास है। बिल्कुल, मुझे भी है। मुझे भी सैम पर विश्वास है। वो पवित्र शक्ति उसकी मदद जरूर करेगी। तो दोस्तों अभी जाओ और डैनी से अपने दोस्त को बचाओ। सर, यस सर। तुम मेरी सोच से भी जल्दी यहाँ आ गए मिनी फोर्स। डैनी कायर कहीं के, तुमने सैम के साथ क्या किए लाए? सैम, डटे रहो। सैम, लौट आओ। अब यहाँ तुम्हारा दोस्त सैम कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरा वफादार साथी है सैम। तुम क्या किया तुमने सैम के साथ? अभी भी तुम्हारे लिए देर नहीं हुई है, मेरे साथ जुड़ के मेरे लिए काम करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे? तो फिर मुझे तुम लोगों के साथ भी उसी तरीके से पेश आना पड़ेगा जैसे मैंने सैम के साथ किया।
हमला करो अभी। फोर्स हथियार तैयार। फोर्स गन तैयार। फोर्स तलवार तैयार। फोर्स बो तैयार। सैम, इन कीड़ों को संभालो जरा। जी मास्टर। जल्दी पकड़ो उन्हें। नहीं सैम रुको। सैम तुम ऐसा नहीं कर सकते। कैसा लगता है जब कोई पुराना साथी हमला करे। मूर्ख कहीं के। मुझे लगता है अब असली मुकाबला हो जाए। सैम खत्म करने का समय आ गया है। हाँ मास्टर। नहीं अपुन को मारो पहले। अपुन को विश्वास है तुम पे। तुम अपुन में से किसी को भी नहीं मारोगे। मैं अब तुम्हारा साथी नहीं रहा। वापस आ जाओ सैम। सैम को क्या हो गया लाए? वो कब से कुछ अलग सा व्यवहार कर रहे लाए। देखो उन लोगों की वजह से तुमने अपनी उड़ने की क्षमता खो दी है ना। क्या तुम मेरा आदेश नहीं मानोगे? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सैम हम तुम्हारे दोस्त हैं। मुझे भरोसा है तुम पर। आ जाओ हमारे पास। अपुन लोग हमेशा एक साथ थे। तुम दोस्त हो हमारे। सैम ये कीड़े जो इंसानों के साथी हैं हमारे दुश्मन हैं। हमला करो उन पर अभी। तुमको ऐसे ही ब्रश करना चाहिए। ओह सैम। आप लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं वो सब करूंगी जिससे तुम बेहतर हो जाओ सैम। तुम क्या कर रहे हो सैम? माफ करना। शुक्रिया दोस्तों। सैम आखिरकार अपने होश में आ ही गया। मुझे पता था तुम लौट आओगे। अगर ये सब इस तरह होना है तो मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ताकतवर दिखाता हूँ। मैं कम ऑन बाहर आ। मैकमोन आ ही गया। फोर्स कास्ट बुलाने का वक्त आ गया है। फोर्स कास्ट तैयार हो। तैयार। इस मैकमोन की ताकत उल्कापिंड की ताकत से बढ़ गई है। मैं इस बदमाश से अभी निपटता हूं। बचो मैक्स। विकी मैक्स। एक और हमला और फोर्स बॉट काम नहीं करेगा। मैं भी। मैक्स और अपुन नहीं लड़ सकता। सैम लीना आगे आओ और हमला करो। हमें शक्तिशाली लेजर से कैसे बचें? लीना
चलो दो रोबोट जोड़कर हमला करें। हमारे पास जोड़ने की ताकत नहीं है। मैक्स, विकी, हमें अपनी सारी ताकत भेजो अभी के अभी। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर पूरा हुआ। हम लड़ते हैं सच्चाई के लिए। फोर्स बॉट फ्यूजन। गया। हमले का वक्त आ गया। सुपर फोर्स रिंग हमला। अब अपनी सारी बची हुई ऊर्जा इकट्ठी करते हैं आखिरी हमले के लिए। दीना तैयार हो? बिल्कुल। फोर्स को हमला। हमने कर दिखाया। सुजैन, मैंने सुना तुमने पूरी रात मेरी देखभाल की, शुक्रिया। मुझे खुशी है कि अब तुम ठीक हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम कितने परेशान थे। मैं खुश हूँ, जाओ यहाँ से।